दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप MI मोबाइल का अगर FRP लोग या MI अकाउंट लोग अगर आप उसे अनलॉक करना चाहते हैं अपने मेडिकल बॉक्स से, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे हाथ में जो MI का जो नोट 4 मोबाइल है और इस मोबाइल में जो है यहाँ पे आपको जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल में कोई भी लॉक हो, चाहे MI अकाउंट का लॉक हो, चाहे FRP लॉक हो, कोई भी लॉक हो, इसे अगर आप मेडिकल बॉक्स से अगर अनलॉक करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे इस मोबाइल को अनलॉक किया जाएगा मेडिकल बॉक्स से, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और इस बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया आपने और इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप इस घंटे को नहीं दबाएंगे तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर नहीं मिलेगी। तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल जो इसका जो अकाउंट जो रिमूव करेंगे हम अपने मेडिकल बॉक्स से, तो इस मोबाइल को हमें ADB मोड में लेके जाना होगा। दोस्तों मैं बता दूं ADB मोड में कैसे आपको लेके जाना है और फास्ट बूट में आपको कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें फास्ट बूट और ADB मोड, ये दो मोड इस मोबाइल के अंदर में होता है और इसके अलावा इसमें रिकवरी मोड नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो वॉल्यूम माइनस और पावर की को एक साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो ये फास्ट बूट मोड में चला जाएगा ये मोबाइल, ठीक है। लेकिन फास्ट बूट मोड में अगर हम इस मोबाइल का अगर FRP अनलॉक करेंगे या मान के चलिए इसका MI अकाउंट को अगर हम रिमूव करेंगे अपने मेडिकल बॉक्स से, तो ये नहीं होगा। तो इस मोबाइल को हमें जो है ADB मोड में लेके जाना है। तो दोस्तों मैं बोलूँ, इसका इस मोबाइल में जो ADB मोड कंपनी ने दे दिया है ऑटोमेटिकली, और इसका ADB मोड लाने के लिए आपको वॉल्यूम प्लस और पावर की आपको एक साथ प्रेस करना है, और जैसे मोबाइल ऑन होता है उसके बाद आपको जो है पावर की को छोड़ देना है, तो ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है ADB मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको ADB मोड का फंक्शन यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है और सिर्फ अपने USB डाटा केबल से आपको इस मोबाइल को जो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है, और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद अगर आपके कंप्यूटर में अगर आपका ADB ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे पहले। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में और अपने मेडिकल टूल को ओपन कर लिया है हमने। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर को भी हमने ओपन कर लिया है आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ADB इंटरफेस, यहाँ पे एंड्रॉइड का ADB इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है। हमारे कंप्यूटर में इसका ड्राइवर इंस्टॉल था, इसलिए इसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली ले चुका है। अगर आपके कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसका ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं मोबाइल एक तरफ और एक तरफ आपको मेडिकल टूल दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमें इसका जो FRP अनलॉक करना है, इसका MI अकाउंट कैसे हमें रिमूव करना है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फास्ट बूट मोड में अगर हम इसका इन्फो चेक करेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं दिखाएगा, बिल्कुल इसी तरह से रीडिंग चलेगा। उसके बाद ये है इसका जो इन्फो नहीं दिखाएगा इस फोन का, क्योंकि ये जो है ये फास्ट बूट नहीं है, ये ADB मोड है, ठीक है। और ADB मोड में जब हम इसे देंगे उसके बाद इसका इन्फो हम चेक करेंगे तो इसका इन्फो यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हैं इसका इन्फो यहाँ पे शो कर रहा है। तो जब इस तरह से इन्फो दिखा देगा आपके मेडिकल टूल में, तो उसके बाद आप इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो इन्फो जो है मोबाइल का यहाँ पे शो कर रहा है, दिखा चुका है। उसके बाद इसका जो हमें MI अकाउंट रिमूव करना है या इसका FRP अनलॉक हमें करना है, तो इससे अनलॉक करने के लिए हमें अपने एंड्रॉइड के टूल पर जाना होगा और एंड्रॉइड के टूल पर यहाँ पे हमें ADB एक्स्ट्रा पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे MI अकाउंट पर चेक लगाना होगा, ठीक है। और जैसे MI अकाउंट पर चेक लगाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ दिखा दूँ कि आप यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ मैं आपको मोबाइल दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक तरफ मेडिकल टूल दिखा रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फोन जो यहाँ पे रिस्टार्ट होने लगेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फोन जो रिस्टार्ट हो चुका है और इसमें काफी थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद इसका जो FRP अनलॉक हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दोस्तों कि इसमें जो जितना अभी हमने आपको दिखाया FRP अनलॉक करने का तरीका, तो इससे ज्यादा तरीका इसमें अभी और भी है इस मोबाइल को सेटअप करने में, क्योंकि इसका जो सेटअप करने का तरीका जो है बिल्कुल अलग है। और अगर आप इसमें जो है आप इसे देखने में अगर मिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में, इसलिए इस मोबाइल को जब हम सेटअप कर रहे हैं अभी, आप इस मोबाइल का जो सेटअप करने का तरीका जो है आप पूरी तरह से यहाँ पे देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप जरा से भी अगर इसमें मिस करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे जो अकाउंट मांगा जाएगा और फिर से आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लें किस तरीके से हम जो है इसका जो है सेटअप कर रहे हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो लैंग्वेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, और जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे जो है अपना कंट्री सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारी कंट्री है, तो हमें अपने कंट्री इंडिया को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम अपने कंट्री इंडिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा कुछ यहाँ पे प्रोसेस होगा, थोड़ा सा कुछ यहाँ हल्का सा टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ अगला ऑप्शन आएगा। और आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख लें, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप कमेंट करके हमें पूछेंगे कि भाई हमने जो है मेडिकल टूल से इसका FRP अनलॉक किया, इसका MIUI को रिमूव किया, और लेकिन यहाँ पे जो है नहीं हो पा रहा। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक देख लें, तभी आपको जो है समझ में आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन तरह का ऑप्शन दिखा रहा है गूगल अकाउंट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो तीन तरह का जो ऑप्शन है, तो आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसमें चेक लगा हुआ है, तो हमको सबसे ऊपर में चेक लगा के नेक्स्ट नहीं करना है, हमको बीच वाले में जो है चेक लगा के नेक्स्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सबसे ऊपर वाले में अगर चेक लगा के नेक्स्ट करेंगे, तो वहाँ पे फिर से MIUI अकाउंट मांगा जाएगा, या कोई पासवर्ड मांगा जाएगा, या फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बीच वाले पे चेक लगा के यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं नीचे में स्किप का ऑप्शन है, तो हमें यहां पे स्किप कर देना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे स्किप का ऑप्शन है, तो हमें यहां पे स्किप कर देना है। और जैसे हम यहां पे स्किप करेंगे, उसके बाद यहां पे जो है इसका अगला नेक्स्ट पेज यहां पे आएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, चलिए हमने यहाँ पे स्किप कर दिया ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कुछ ट्रांसफर कंडीशन है, चलिए हम यहाँ पे भी इसे नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यस और नो का ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नो कर देंगे। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट करने के बाद तो यहां पे MIUI अकाउंट का जो ऑप्शन है, MIUI अकाउंट मांगा जा रहा है। तो आप यहां पे नीचे में देख रहे हैं कि यहां पे नीचे में स्किप का ऑप्शन है, अगर FRP अनलॉक नहीं होता तो यहां पे नीचे में स्किप का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो हमारा FRP अनलॉक हो चुका है, इसलिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे हमें ओके कर देना है। और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, और तो यहाँ पे अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, चलिए हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो इसका जो अगला पेज आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो है एग्री का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नो थैंक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप कम्प्लीट हो चुका है, और उसके बाद आप जो यहाँ पे नीचे में जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे नीचे पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे नीचे पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे हम यहाँ पे नीचे में क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हल्का सा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद यहाँ फिर हमें एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा, और फिर हम यहाँ जो यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। और जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हमें जो है नीचे में जो है फिर से दोबारा जो हमें यहाँ पे जो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो चल रहा है, ये प्रोसेस चलने के बाद फिर से हमें यहाँ पे नीचे में क्लिक करना होगा। तो इस तरह से प्रोसेस होने के बाद आपका मोबाइल जो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है पहले से ही, और आपने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है, उस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, उस घंटे को आप जरूर दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।